नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच आमना सामना हुआ। दरअसल दोनों नेता आने वाले दिनों में हर मंच पर आमने सामने दिखेंगे। बिहार में एक तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मंच सजा होगा, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी का मंच सजा होगा। लेकिन दिल्ली में भी नीतीश कुमार कहां पीछे रहने वाले। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश और वहां जाते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं को लेकर बातचीत की, टिप्पणी की और कांग्रेस नेताओं ने भी इस पर हामी जताई। लालू प्रसाद यादव ने भी टिप्पणी की भाजपा नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी को बिहार और देश उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसा तीर छोड़ा नीतीश के लिए। दरअसल नीतीश कुमार को पुराने वादों का याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो लोगों के जीवन का बड़ा हिस्सा है उसमें स्वार्थ के लिए राजनीति का अखाड़ा बना दिया था। मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा और कहा कि देश की राजनीति का स्वार्थ इस कदर हावी है कि रेलवे में भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। हालात यह है कि लोगों को नौकरी के बदले गरीबों का जमीन छीन ली जाती है। दिल्ली अजमेर वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर वह लोगों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने समारोह में वर्चुअली शामिल होकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष कर रहे थे और नीतीश कुमार पर भी। आगे उन्होंने कहा कि इस मौके पर वंदे भारत जो ट्रेन है वो मेड इन इंडिया है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज बिहार और अन्य राज्यों में भी चलने वाला है और अब विकास की आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। इस दौरान पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए आजादी के बाद भारत को बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला, लेकिन आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीति और स्वार्थ हावी रही। कांग्रेस नीतीश सहित तमाम नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है और वर्चुअली रूप से लालू प्रसाद यादव सहित विपक्ष के सभी नेताओं पर हमला बोला। रेलवे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से कई बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जिसमें जनता के लिए क्या परिवर्तन रहा, तो जनता के लिए टिकट महंगा हो गया। जनता के लिए जो बुजुर्ग थे, जो ओल्ड एज के लोग थे, उनका आरक्षण खत्म किया गया। कई तरह की व्यवस्था हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर न बोलकर सीधा लालू प्रसाद यादव पर हमला कर रहे थे। जहां जमीन लेकर रेलवे में नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष पेश हुए थे। एक तरफ तेजस्वी की ईडी से पूछताछ हो रही थी, वही दूसरी तरफ लालू नीतीश बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुन रहे थे। यह चीज स्पष्ट होता है कि अब प्रधानमंत्री का सीधा निशाना बिहार है और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार सहित तमाम विपक्षी दल को टारगेट कर रहे नरेंद्र मोदी ने उन दौर को याद दिलाया है जब 2004 से 9 के बीच में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और रेलवे में कथित तौर पर IRCTC घोटाला, उसके बाद नौकरी देकर जमीन लेने मामले में लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के जो सदस्य वो फंसे हैं, तमाम चीजों को लेकर नीतीश कुमार पर भी तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।